Bismillahir Rahmanir Rahim. Now this is for first year, chapter number 6, chemical equilibrium, the last topic of solubility and solubility product. And this is for both first year lama and first year kaib. To jo chota sa hissa kaib ka piche tha regarding the application of equilibrium constant and Lee Shetlier principle, वो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है. नाउ बोथ क्लासेस आर एट इक्वल स्पॉट एंड दे ओनली हैव दिस लास्ट टॉपिक टू बी कंप्लीटेड. तो ये अब हमारी आखिरी चंद बातें आपसे होंगी, तो फिर हमारा कम से कम सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा. तो चैप्टर नंबर 6 में सॉलिबिलिटी की जो बातें हैं, ये वो हिस्सा है जो चैप्टर 7 के साथ ओवरलैप्ड है. थोड़ा बहुत सी वो बातें हम आपको याद दिलाएंगे जो हम ऑलरेडी चैप्टर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ चुके हैं, तो ये उससे थोड़ा सा ओवरलैप होता है. तो आपको याद है सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था. होमोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें मिक्स होने वाली चीज़ें एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं. जैसे आप पानी के अंदर अपने पेन से ब्लू कलर की इंक डालें तो वो पूरे पानी को यूनिफॉर्मली अपने कलर में कन्वर्ट कर देगी. ब्लू कलर की इंक है तो पूरा पानी यूनिफॉर्मली ब्लू हो जाएगा, यानी ब्लू इंक ने अपने आप को पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. मिट्टी उठाकर पानी में डाल दें तो सारी मिट्टी पानी में नीचे जाके बैठ जाती है. तो ये पानी में मिट्टी ने अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए वो कहलाता है हेटरोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर. तो अब होमोजीनियस मिक्सचर में एक सॉल्यूट है जिसे डिसॉल्व किया जाता है, हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, और एक सॉल्वेंट है जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं घर में एक सॉल्यूशन बनाऊं और सॉल्वेंट ले लूं पानी और सॉल्यूट ले लूं नमक, एक चम्मच नमक एक गिलास पानी में डाला, उसे हिलाया, तो हमें नज़र ये आता है कि वाइट कलर का सॉल्ट गायब हो जाता है. हम कहते हैं ये डिसॉल्व हो गया, यानी डिसॉल्व होने की फिज़िकल निशानी है कि वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, पानी में जाकर डिसअपेयर हो जाती है, तो हम कहते हैं ये डिसॉल्व हो गई. आपने एक स्पून सॉल्ट का एक गिलास पानी में डाला, शेक किया, वो डिसॉल्व हो गया या गायब हो गया. आपका दिल चाहा आपने एक और स्पून लिया, अब उसे भी उसी पानी में डाला, हिलाया, वो भी गायब हो गया. आपके मज़े लग गए, आपने तीसरा स्पून लिया, फिर उसमें पानी में डाला, हिलाया, तो अब आपने नोटिस किया कि सारे का सारा डिसअपेयर नहीं हुआ, बल्कि कुछ सॉल्ट जो है हमारे बावजूद हिलाने के आखिर में सॉल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाता है. हिलाए जा रहे हैं फिर भी नहीं डिसॉल्व हो रहा. तो इससे हमें ये पता चला कि उस एक गिलास पानी में जितना नमक डिसॉल्व करने की एबिलिटी थी उसने वो कर दिया है, यानी अब वो हाउसफुल हो गया है. उसमें जितनी गुंजाइश थी उतनी गुंजाइश के हिसाब से नमक डिसॉल्व हो गया है, अब आपका और नमक उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. जब कोई सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर ले और मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व करना बंद कर दे तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड. लव सैचुरेटेड का आम अंग्रेज़ी में मतलब ही यही है कि जब कोई चीज़ अपनी गुंजाइश के हिसाब से भर जाए. अब हम जहाँ पढ़ाया करते थे, अब याद तो आती होगी आपको भी, तो हमारी क्लास में सीटें रखी हुई होती थी और उन सीटों पे बच्चे बैठते थे तो एक कैपेसिटी बन गई कि ये 2 सीटर बेंच है, ये 3 सीटर बेंच है, ये 4 सीटर बेंच है, तो इस हिसाब से इस कमरे में सपोज़ 60 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो अगर 60 बैठ गए तो इसका मतलब है वो हाउसफुल हो गया. अब अगर कोई और स्टूडेंट आएगा तो उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी. ऐसी सूरत में क्लास कहलाएगी सैचुरेटेड, भर गई, कंप्लीट हो गई, अब उसमें और की जगह नहीं है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी मतलब यही है जिसके सॉल्यूट में, जिसके सॉल्वेंट में अब और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जगह नहीं है. ये है वो बैकग्राउंड. अगर फ़र्ज़ कर लीजिए एक सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, अभी जगह है, हम और नमक चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है. ये टर्म्स 9th क्लास की थी और हमने चैप्टर 7 में भी डिस्कस की थी. बहरहाल ये मैंने इसलिए दोहराई कि जिस टॉपिक से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है सॉलिबिलिटी और उसकी डेफिनेशन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा. देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. अब अगर मुझे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए मैं जितना सॉल्यूट ऐड करूँगा वो कहलाएगा सॉलिबिलिटी. दूसरे लफ्ज़ों में सॉलिबिलिटी से मुराद ये है कि
मैक्सिमम कितना सैल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, तो एक चीज़ अपनी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती. तो सॉल्युबिलिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. तो लेकिन इसमें जैसे मैंने इस हिसाब से देखा जाए तो ये पहली लाइन ही काफ़ी थी ना भाई, आपने लिखा अमाउंट ऑफ सैल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट्स अ शॉर्ट डेफिनेशन. बाकी बातें सिर्फ कंडीशंस डिस्क्राइब करने के लिए हैं कि आपको जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो मेंशन करना पड़ेगा कि सैल्यूट डिसॉल्व करने के लिए आपने सॉल्वेंट कितना लिया है. ठीक है ना, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें सपोज़ किसी चीज़ का 200 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो वो 200 ग्राम 1 लीटर में उसकी सॉल्युबिलिटी है. लेकिन कोई शख्स अगर 2 लीटर पानी ले लेगा और वो कहेगा भाई इसमें तो 200 ग्राम ही डिसॉल्व होगा क्योंकि 200 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है. अगर आप सॉल्वेंट 2 लीटर लेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी का अमाउंट भी डबल हो जाएगा, फिर वो 400 ग्राम डिसॉल्व होगा. इसलिए शर्त ये लगाई कि सॉल्युबिलिटी असल में वो सैल्यूट का अमाउंट है जो सॉल्वेंट के एक ख़ास अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. और इसमें चूंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कम हो सकती है इसलिए हमने टेम्परेचर को भी मेंशन कर दिया. तो ये सिर्फ कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, वरना शॉर्ट फॉर्म में हमारी डेफिनेशन वही बनेगी अमाउंट ऑफ सैल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अब मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को अगर हम 100 ml पानी में डिसॉल्व करना शुरू करें तो आम रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 35 ग्राम NaCl 100 ml पानी में डिसॉल्व हो जाता. तो ये 35 ग्राम NaCl पर 100 ml इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. ये 9th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, याद दिला दी. अब फर्स्ट ईयर में इसमें हम जो पहला इजाफा कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि हम अमाउंट को मोल में लेना पसंद करते हैं तो अब ये सॉल्युबिलिटी भी मोल में होगी. यानी हम जब भी ये बात करना चाहेंगे कि कितना सैल्यूट पानी में डिसॉल्व हुआ है तो ग्राम में नहीं करेंगे, मोल्स में करेंगे. तो इसलिए नई टर्म बन गई मोलर सॉल्युबिलिटी. और वो क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 1 dm³ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी. तो अब इस डेफिनेशन को हमने बहुत ही ऑर्गेनाइज कर दिया. पहली बात तो ये कि हमने कहा कि अब अमाउंट की जगह मोल्स लेने हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना बनाना है अब हमने मेंशन कर दिया. तो अब बिगिनिंग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और गिवन टेम्परेचर की जगह सब चीज़ें मेंशन कर दी. तो 1 dm³ में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कितने मोल सैल्यूट के डिसॉल्व करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी. और टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हम रूम टेम्परेचर लेते हैं. तो अब अगर आप सोचें तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब तो कंसंट्रेशन है, दैट इज़ दी मोलैरिटी. तो हम इस डेफिनेशन को इंतहाई शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो मोलर सॉल्युबिलिटी असल में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सैल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व है, उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता. और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. तो ये दोनों बातें हमने इंतहाई मुख्तसर अंदाज से इस एक लाइन में मेंशन कर दी. ये है सॉल्युबिलिटी. अब जो दूसरी टर्म फर्स्ट ईयर की वजह से कहें कि एक तरक्की हो गई हमारे पास, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये क्या चीज़ है, और इसी तरह सबसे अहम बात ये भी आएगी कि हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस का था,
ये एकदम से सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या शुरू हो गया इसका, इस चैप्टर से क्या ताल्लुक है? तो खुला खुला सॉल्यूशन वाला चैप्टर था, उसी वक्त पढ़ा रहे थे ये सारी चीज़ें, यहाँ के लिए क्यों छोड़ दी? तो वो ताल्लुक अब हम आपको किस तरह बता रहे हैं। अभी तक आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा एरिया है जहाँ ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है, वो कौन सा एरिया है? जब आप किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करते हैं। चैप्टर 7 में भी ये बात पढ़ी थी। सपोज़ मेरे पास एक सॉल्ट है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को ये सॉलिड होता है, मैं पानी में डाल दूँ तो पानी में जाकर ये अपने कैटाइंस और एनाइंस में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह ये प्रोसेस कहलाता है आयनाइजेशन। हम इसके बारे में चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन में आपसे कहा था कि जब एसिड को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, जिसमें एक आयन एच पॉजिटिव होता है। तो ये उसी का तरीका है, पानी में जब कोई चीज़ जाती है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, और ये डिसोसिएशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे बड़ा काम ही यही है कि जब किसी चीज़ को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूटती है, और वो आयंस चूँकि अपोजिट चार्ज हैं, वो दोबारा आपस में मिलकर दोबारा सॉल्ट बनाते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आयंस में रिकम्बाइन टू फॉर्म द सॉल्ट अगेन। तो इस तरह जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ते हैं, उसकी खूबियों को पढ़ते हैं, तो उसे सबसे ज़्यादा जिस जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है वो ये एक्वस सॉल्यूशन की केमिस्ट्री है। तो इस लिहाज से चैप्टर 7 में जो कुछ हमने पढ़ा था उसका इस चैप्टर से बड़ा गहरा ताल्लुक बन गया। तो अब हम इस आखिरी हिस्से में इन्हीं चीज़ों, इन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हम किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करें और वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। तो आयंस जो हैं चूँकि पानी में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए उनको एक्वस लिखा जाएगा AQ, और सॉल्ट चूँकि नहीं होगा तो उसे लिखा जाएगा AgCl। तो इस तरह हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसके डिसॉल्वड आयंस और अनडिसॉल्व सॉल्ट के दरमियान ऐसे इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अगर वो सॉल्ट पानी में हाईली सॉल्युबल है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन का ट्रेंड ज़्यादा होगा, और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब ऑलमोस्ट सारे आयंस बन चुके होंगे और बहुत ही कम सॉलिड पीछे बचा होगा ना होने के बराबर। और जो पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं जैसा कि AgCl है, तो इसमें आयनाइज्ड आयन कम होंगे और अनरिएक्टेड अनडिसॉल्व सॉल्ट ज़्यादा होगा। बहरहाल अभी आपके सामने हमने एक इक्वेशन लिख दी और ये समझा दिया कि नाइन्थ में हम इन बातों को नहीं डिस्कस करते थे, बात सॉल्युबिलिटी पे शुरू करके उसी पे ख़त्म कर देते थे। अब हम एक स्टेप आगे आए हैं। अगर किसी भी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करने से वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो रही है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अब मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी KC यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू बल्कि अकॉर्डिंग टू लिखने के बजाय हमें लिखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कैन बी गिवन एस। तो अब KC का फॉर्मूला इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? आयंस की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, और इत्तेफाक से दोनों का कोफिशेंट 1 है, वरना ये बात तय है कि जो कोफिशेंट में नंबर है वो पावर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा AgCl जो कि सॉलिड है। ठीक हो गई बात? अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल अमाउंट है और डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो हमें याद आएगा कि अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को आप डेंसिटी कहते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या कंसंट्रेशन दरअसल सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है। तो इस हिसाब से ये जो गौर फरमाएं, अगर हम इस पर, ये जो रिएक्टेंट होगा हमेशा हमारा वो एक अनडिसॉल्व सॉल्ट होगा, सॉलिड।
सॉलिड चीज़ की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ AgCl हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी ये तो मैंने एक एग्जांपल ले ली AgCl की, अगर मैं किसी भी सॉल्ट की आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखूं, रिएक्टेंट में उसका सॉलिड फेज होगा और प्रोडक्ट में उसका आयनाइज फेज होगा, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मैंने कहा जब ये चीज़ कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Kc times concentration of AgCl, concentration of Ag and concentration of Cl। यानी मैंने क्या किया, मैं इस डिनोमिनेटर को इधर ले गया न्यूमरेटर पर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ा कि ये दोनों इधर आ गए, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट शुड बी अनदर कांस्टेंट, और इस नए कांस्टेंट का नाम हमने रखा Ksp। Ksp जो है ये कहलाता है हेयर, Ksp इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब हमने यहाँ एक छोटी सी मैथ्स लगाकर क्या साबित करने की कोशिश की कि कोई भी चीज़ जब पानी में डिसॉल्व की जाती है और अपने आयंस में डिसोसिएट होती है, तो हम उसके लिए एक और एक कांस्टेंट निकाल सकते हैं जिसका नाम होगा Ksp, और ये किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी इसमें सिर्फ इक्वेशन के प्रोडक्ट में जो चीज़ें मौजूद हैं वो आएंगे और कुछ नहीं आएगा। इसे कहेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड इज डिफाइन एज It is the product of ionic concentration of saturated solution. It is the product of ionic concentration of saturated solution. ये सॉलिबिलिटी का समझिए एक मॉडर्न वर्जन आ गया, जो हमें ये बता रहा है कि चूंकि पानी में जाने के बाद सॉल्ट सॉल्ट नहीं रहता, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। NaCl पानी में जाने के बाद NaCl नहीं रहता, बल्कि Na का कैटाइन अलग हो जाता है, Cl का एनाइन अलग हो जाता है। इसलिए सॉलिबिलिटी में जब हम ये कह देते हैं कि पानी में इतना सोडियम क्लोराइड मौजूद है, ये टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। चूँकि पानी में जाकर ये चीज़ें अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाती हैं, इसलिए हमें इनकी सॉलिबिलिटी आइंस की कंसंट्रेशन के हिसाब से बतानी चाहिए, ना कि ओवरऑल सॉल्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से। इसलिए Ksp को हम कहते हैं कि ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ पानी में कितना डिसॉल्व हो जाएगी और उसका कितना अमाउंट पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए और कितना अमाउंट उसका पानी में डिसॉल्व रह सकता है, ये उसके आइंस की कंसंट्रेशन से बताना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन के। तो इसके लिए Ksp बनाया गया है। तो Ksp का काम वही है जो सॉलिबिलिटी का था। यानी इस वक्त हमें AgCl के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि Ksp बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड का प्रोडक्ट। दरअसल ये बता रहा है कि अगर आप पानी में AgCl को डिसॉल्व करेंगे तो Ksp आपको बताएगा कि उसमें मौजूद सिल्वर और क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना रह सकता है। तो Ksp आपको बताएगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड विच कैन एग्जिस्ट इन वाटर। अगर मैंने पानी में सिल्वर और क्लोराइड के आइंस की अमाउंट उसके Ksp से ज़्यादा कर दी तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। Ksp के बराबर हुई या उससे कम हुई तो वो पानी में डिसॉल्व होगी। तो वही सॉलिबिलिटी वाली बात है। सॉलिबिलिटी में आप यही बात आइंस की जगह सॉल्ट के लिए कहते हैं कि एक सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी है, आप उतना ही सॉल्ट पानी में डालें या उससे कम डालें तो वो डिसॉल्व होगा, उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब एक तरह से मैंने एक नई टर्म कॉइन कर ली है और अब आपको इसकी प्रैक्टिस करानी है। तो अब जब इसकी इम्तिहान में डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप इसी तरह सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में पहले एक सॉल्ट चाहे तो यहाँ लिख दें, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, और फिर ये छोटा सा सिल्वर क्लोराइड का काम करके ये डेफिनेशन आपने कोट कर दी।
अब अपनी प्रैक्टिस के लिए कि इम्तिहान में हम आपको सिर्फ नाम देंगे सॉल्ट का, आपको उसके कैटाइन एनाइन खुद बनाने हैं, खुद उसकी इक्वेशन बनानी है और ख़ुद उसका KSP बनाना है। तो अब तक जितनी केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, आप मशहूर कैटाइन के चार्ज वगैरह भी जानते हैं, इसलिए काम हो सकता है। फिर भी फोकस ये रखना है कि जिन कंपाउंड्स का तस्करा किताब के सवालात और एग्ज़ाम्पल में है, कम से कम उनकी इक्वेशंस आप खुद ज़रूर बना लें। और वो सारी कौन है वो मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन भी लिखेंगे और साथ में उसका KSP का फॉर्मूला भी लिखेंगे। सो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पर जाएँ। मसलन अभी अभी हमने एक AgCl के लिए तो लिखा है, उसी का एक भाई है NaCl। NaCl पानी में जाता है तो इस तरह से आयनाइज होता है कि एक बनता है सोडियम, एक बनता है क्लोराइड। और हम सबको पता है बॉन्डिंग में तो हमने NaCl की पूरी एनर्जेटिक्स पढ़ी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम का चार्ज +1 और क्लोरीन का चार्ज -1 है। आप -1 +1 में 1 शो करें या सिर्फ प्लस माइनस लिख दें चलेगा। तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके KSP का फॉर्मूला बनेगा ऐसे। आप शॉर्टकट में जाएंगे कि सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को लिया जाएगा। तो सोडियम की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन की कंसंट्रेशन, और दोनों का कोफिशेंट 1 है इसलिए पावर 1 रहेगा। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन सरा कोई ऐसी भी हो ना जिसमें कोफिशेंट 1 के अलावा कुछ और हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हमें याद है एसिड बेस के चैप्टर में हमने ऐसे बहुत सारे बेस पढ़े हैं। जब ये पानी में जाएगा तो नज़र आ रहा है इसके फॉर्मूले में OH 2 दफ़ा है। तो यहाँ मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2 और इसके साथ बनते हैं 2OH जिसका चार्ज है -1। तो अब आप जब इसके KSP का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि इसमें आएगा मैग्नीशियम जिसका चार्ज +2 है लेकिन उसका कोफिशेंट 1 ही है इसलिए सिर्फ मैग्नीशियम, और OH उसका कोफिशेंट 2 है इसलिए आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH का स्क्वायर। सेम इसी तरह अब अगर मैं एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मैं सारी वो एग्जांपल लिखूंगा जिनका हमसे पाला पड़ना है। लेड क्रोमेट पानी में जाएगा तो एक तरफ आ जाएगा लेड और एक तरफ आ जाएगा क्रोमेट। तो अब अगर इनके चार्ज हमें नहीं भी पता थे तो अब पता चल गया है। तो ये याद होने चाहिए लेड का चार्ज +2 है, वो एक तरफ हो जाएगा, और CrO4 पूरी एक चीज़ है उसे कहते हैं क्रोमेट, उसका चार्ज -2 है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ इतनी है कि इन दोनों का कोफिशेंट 1 है इसलिए इसका KSP का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हम लेड रखेंगे विद चार्ज +2 लेकिन उसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगी, और क्रोमेट रखेंगे विद चार्ज -2 इसकी भी कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि दोनों का कोफिशेंट 1 है। चौथी एग्जांपल लेड आयोडाइड PbI2। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है PB तो वही है जो ऊपर था +2 और I 2 दफ़ा है, तो 2I और 1I का चार्ज -1 है। तो इसका मतलब है ये हमारी एग्जांपल 2 जैसा हो गया जिसमें एक कैटाइन का कोफिशेंट 1 है और एनाइन का कोफिशेंट 2 है। तो जब हम KSP लिखेंगे तो हमारा कैटाइन तो हो गया PB +2 और उसकी पावर 1 है, एनाइन हो गया आयोडाइड और उसकी पावर 2 है। तो इस तरह आपके पास सिलेबस में जितनी भी एग्जांपल्स आती हैं ज़्यादातर ये मैंने उनकी लिस्ट बना दी है। अब अगर इसके अलावा किसी की ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो होंगे जिसमें कैटाइन एनाइन इन्हीं में से कोई होगा, तो आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादातर हमारा पाला इन दो केसेस से ही पड़ता है जिसमें कैटाइन और एनाइन 1:1 रेशो में हो ताकि उनकी पावर 1:1 हो, या 1:2 रेशो में हो ताकि एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आएगा। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन सॉलिबिलिटी का और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। इम्तिहान में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एक आधी दफ़ा डेफिनेशन पूछी गई होगी लेकिन असल हब इसका ये है या असल काम इसका ये है कि इसके न्यूमेरिकल्स हैं, और उन न्यूमेरिकल्स का पहला हिस्सा ये है कि रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी
एग्जैक्टली ये है रिलेशन बिटवीन मोलर सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यानी जो पहली टाइप के क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं अभी इस लेक्चर में वो होंगे जिसमें हमें सॉलिबिलिटी गिवन होगी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा और सॉलिबिलिटी पूछ लेंगे। तो इसके लिए हमने कहा दो केसेस हैं, केस वन ऐसे सॉल्ट के लिए सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो इस टाइप के हों कि उनमें एक कैटाइन और एक एनाइन बने, जैसे सिल्वर क्लोराइड में है कि उसका जब वो पानी में डिसोसिएट होता है तो एक कैटाइन बनता है और एक एनाइन बनता है। तो फर्ज कर लीजिए एक्स मोलर सॉलिबिलिटी है, तो मोलर सॉलिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक्स मोल AgCl के पानी में लाजमन डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर एक्स मोल AgCl के पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो इक्वेशन के मुताबिक अगर AgCl का 1 मोल हो तो Ag का भी 1 मोल बनता है, Cl का भी 1 मोल बनता है। तो अगर AgCl के एक्स मोल हो तो ये भी एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब हमने कहा कि इस इक्वेशन के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि इसके Ksp का फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। तो अब ऊपर वाली बात से समझ में आ रहा है कि Ag भी x है और Cl भी x है, वेयर x इज मोलर सॉलिबिलिटी। तो दो x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बन गया स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब इससे आसान क्या बात होगी कि अगर हम आपको न्यूमेरिकल में ऐसा कोई रिएक्शन दे दें जिसमें एक कैटाइन और एक एनाइन बनता हो तो भाई ये है फॉर्मूला मोलर सॉलिबिलिटी, यानी एक्स की वैल्यू मैं आपको बता दूं, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको Ksp मिल जाएगा। अगर मैं आपको Ksp बता दूं तो आप स्क्वायर रूट लेकर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने डब्बे में बंद किया है इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, अगर मैं आपको Ksp दूं तो आप एक्स निकाल सकते हैं, एक्स दूं तो आप Ksp निकाल सकते हैं, कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ही करना पड़ेगा और कोई काम नहीं है। सो सिंपल, ये केस वन था। केस टू इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। केस टू में हम ऐसे रिएक्शंस कंसीडर कर रहे हैं जिनमें हम एक कैटाइन और दो एनाइंस बना रहे हैं। तो लेड आयोडाइड हमारी एग्जांपल, जिसमें कैटाइन तो लेड है मगर आयोडाइड दो दफ़ा है, लाइक दिस। तो अब अगर मैं कहूँ एक्स सॉलिबिलिटी है तो लेड आयोडाइड की सॉलिबिलिटी एक्स है, जिसका मतलब है पानी में जाकर एक्स मोल ऑफ लेड आयोडाइड आयनाइज हो जाते हैं। इक्वेशन के मुताबिक आप जितना लेड आयोडाइड लेंगे उतना ही लेड बनेगा मगर आयोडाइड उससे टू टाइम्स बनेगा। तो अगर लेड आयोडाइड एक्स है तो उससे लेड तो एक्स ही बनेगा मगर आयोडाइड 2x बनेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा भाई इसके Ksp का फॉर्मूला बनाते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही बनाया है, Ksp इधर हो जाएगा लेड और इधर हो जाएगा आयोडाइड, ऐसे हो गया और आयोडाइड के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। तो अब लेड की कंसेंट्रेशन है x और आयोडाइड की कंसेंट्रेशन है 2x और फिर वो स्क्वायर भी हो रहा है, तो ये हो गया x और 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, मिला के बन जाएगा 4x क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन को डिफरेंट स्टाइल का किया तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, लेकिन वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं अगर आपको x की वैल्यू दूं और आप यहाँ पुट करें तो आपको Ksp मिल जाएगा, Ksp दूं तो भी आप थोड़ी सी मैं से लड़ा कर x निकाल लेंगे। तो ये दो केसेस हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है, और अब हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किसी सवाल में हमें Ksp गिवन होगा तो हम x निकालेंगे, किसी सवाल में हमें x गिवन होगा तो हम Ksp निकालेंगे। तो आइए अब हम कुछ सवालात करते हैं ताकि इस चीज़ की हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारे क्वेश्चंस अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। हेयर इज द क्वेश्चन, इट इज़ पेज 161 और ये क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, सो 16 का पार्ट बी है। तो बुक से भी आप कॉपी कर सकते हैं इसको। इसमें हमने कहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ लेड क्रोमेट बताइए इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी मोलर सॉलिबिलिटी बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि Ksp हमें गिवन है। Ksp फॉर PbCrO4 इज 2.8 × 10⁻³⁻⁷ मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर की पावर 6 -6।
हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है और हमें सॉलिबिलिटी निकालनी है। तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे होगा। इसका हमने डाटा बनाया और हमने कहा कि हमें गिवन है के एस पी 2.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -13 और हमें निकालना है मोलर सॉलिबिलिटी यानी एक्स। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो है पी बी सी आर ओ फोर। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था ये पानी में जाकर ऐसे आयनाइज होता है पी बी प्लस टू और सी आर ओ माइनस फोर। अगर सॉलिबिलिटी एक्स है तो इससे ये भी एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा। तो इसका मतलब होगा कि के एस पी का फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ लेड टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ सी आर ओ फोर माइनस टू, दोनों एक्स हैं। ये फॉर्मूला जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अलग से डिराइव किया था ये आपको न्यूमेरिकल में करना है, दो ही दो स्टेप होते हैं। तो ये आपने फॉर्मूला निकाल दिया, आपने बता दिया कि ये वो रिएक्शन है जिसमें के एस पी और सॉलिबिलिटी के दरमियान ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। के एस पी आपको गिवन है 2.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और आप क्या निकालना चाहते हैं एक्स। तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये 2.8 इंटू 10 की पावर -13 का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हियर इज़ द आंसर 5.29 इंटू 10 की पावर -7। यूनिट आपने देखा था इस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का था मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर -6, तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और मोल स्क्वायर से मोल हो जाएगा और डेसीमीटर की पावर -6 से -3 हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब विच इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी। सो अब इससे ज़्यादा आसान बात नहीं हो सकती। आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन था, आपने ये सिंपल सा रिलेशन लगाया और एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन और जाहिर सी बात है अब इसमें उल्टा काम है, हमें सॉलिबिलिटी गिवन है और हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली, अब जिस हमने कंपाउंड का हवाला दिया है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमने के एस पी का जो फॉर्मूला केस टू वाला निकाला था 4x³ वो बनेगा। तीसरी तब्दीली इसमें यह है कि अगर आप पहली लाइन पढ़ें द सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.00764 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हमें नॉर्मल सॉलिबिलिटी दी गई है, मोलर सॉलिबिलिटी नहीं दी गई, जबकि हमारा काम तो मोलर सॉलिबिलिटी से। तो इसका मतलब है पहला काम यह है कि आप इसे मोलर में चेंज करें, ग्राम में दी हुई है मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल में हो जाएगी, तो मोलर सॉलिबिलिटी बनाएं और फिर अपना सवाल सॉल्व करें। तो फिर आपको मेरी बात याद आएगी जब हमने चैप्टर वन में मोल के सवाल किए थे, मैंने कहा था आखिरी न्यूमेरिकल तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ भी मोल को इस्तेमाल करना पड़ गया। बहरहाल सबसे पहला काम ही यही करते हैं सॉल्यूशन में, हमें दी गई है सॉलिबिलिटी ऑफ एम जी ओ एच टेकन ट्वाइस 0.00764 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब से तो हमें कोई मसला नहीं है, इस ग्राम को हमें मोल में चेंज करना है। इसके लिए आई नीड मोलर मास और आपको वैसे भी याद होना चाहिए लेकिन हम याद दिला भी रहे हैं और ये क्वेश्चन में गिवन भी होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे वो निकलेगा 58 ग्राम पर मोल। तो अब आप जब इसकी मोलर सॉलिबिलिटी निकालेंगे जिसको हम एक्स के सिंबल से मेंशन करते हैं, तो मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज़ एक्स, वो होगा 0.00764 डिवाइडेड बाय 58। तो इसका आंसर क्या, ये आया 1.31 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गई बात। अच्छा अब आपको क्या चाहिए है, हमें चाहिए है जनाब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, हम चाहते हैं कि आप हमें के एस पी दे दीजिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि वही डेरिवेशन जो हमने इत्तेफाक से अभी थोड़ी देर पहले ही की है वो इस पर अप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम पानी में जाकर इस तरह आयनाइज होता है कि उसका कैटाइन +2 चार्ज के साथ और दो एनायन है OH के। तो इस हिसाब से अगर इसकी सॉलिबिलिटी X है तो इससे मैग्नीशियम X बनेगा और OH 2X बनेंगे बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 2।
तो फिर Ksp का फॉर्मूला इसके लिए बनेगा कि मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन और OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो मैग्नीशियम है x और OH है 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x 4x स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये किया है। हम ये फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में जब जो भी न्यूमेरिकल हमें मिलना है उसमें ड्राइव करके देंगे। तो Ksp की 4x क्यूब के बराबर हो गया। हमें क्या चीज़ मालूम है, हमें मालूम है x की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, Ksp जस्ट पुट कर दीजिए फिर वैल्यू। अब क्या रह गया, 1.31 इंटू 10^-4। और सिर्फ इसलिए ताकि आपको Ksp का यूनिट भी पता चल जाए, याद रहे ये भी नेचर पे डिपेंड करता है रिएक्शन की, और हर रिएक्शन की नेचर के हिसाब से इसका यूनिट चेंज हो सकता है। तो हमने यूनिट के साथ लिख दी वैल्यू कि अब जब इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट भी क्यूब हो जाएगा। तो अब आपके कैलकुलेटर का काम है, जो पहले 1.31 इंटू 10^-4 का क्यूब करेगा और उसके बाद इसे 4 से मल्टीप्लाई करेगा एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये हुआ सिर्फ अभी क्यूब का आंसर। अगर हम कोट करें तो क्यूब का आंसर आ रहा है 2.24 इंटू 10^-12, यूनिट भी क्यूब होगा, मोल क्यूब फिर पर डेसीमीटर की पावर 9 या डेसीमीटर की पावर -9 जैसे हमने लिखा है। तो अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने आंसर को। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा तकरीबन 8.99 या 9 ही लिख दीजिए वाला इंटू 10^-12 मोल क्यूब पर डेसीमीटर की पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर आपने देख लिया बिल्कुल उसी अंदाज के दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों अंदाज को हमने देख लिया। एक दफ़ा हमने Ksp दिया और x निकाल लिया, एक दफ़ा हमने x दिया और Ksp निकाल दिया, एक दफ़ा हमने Ks1 के सॉल्ट को दिया है, एक दफ़ा हमने Ks2 वाले को दिया। एक दफ़ा Ksp का रिलेशन x स्क्वायर वाला था, एक दफ़ा Ksp का रिलेशन 4x क्यूब था। तीसरा कोई केस तो बन सकता है, अगर फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो 1:3 के रेशो में आयनाइज हो रही है, उसका फॉर्मूला कुछ और बनेगा, ड्राइव करके देख लीजिएगा, लेकिन वो केस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये दोनों अंदाज की चीज़ को हमने इसे कवर किया है। एक सवाल और करते हैं किताब से, थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हियर इज़ दी एग्जाम्पल, इज़ अ सॉल्व एग्जाम्पल ऑन पेज 184। इस सवाल में हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन देख के सॉल्युबिलिटी ही पूछी है, तो ये पहले वाले सवाल से एग्जाम्पल ले सकता है। बस फर्क ये है कि इसमें हमने इक्वेशन 1:2 वाली दी है जिसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है, और दूसरी ये है कि हमने आपसे सॉल्युबिलिटी मोल में नहीं मांगी है, ग्राम में मांगी है। तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा, लेट अस सी। सबसे पहली बात, हमें डेटा में शो किया कि हमें Ksp गिवन है और वो है 1.00 इंटू 10^-9 विद यूनिट मोल क्यूब पर डेसीमीटर की पावर 9, और हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी। तो उसके लिए पहले तो हम मोलर सॉल्युबिलिटी निकालेंगे x। तो पहले हम निकालेंगे, बेशक उन्होंने हमसे जिसमें भी पूछी है, हम निकालेंगे पहले मोलर सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे लेड आयोडाइड, इसी से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इसलिए मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं है, और अभी पिछली वाली इक्वेशन भी ऐसी ही थी। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो ये लेड भी x बनेगा, ये 2x बनेगा, जिसका मतलब है कि Ksp हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ लेड कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड का स्क्वायर, यहाँ पर x, यहाँ पर 2x का स्क्वायर, वही फॉर्मूला आपके पास दोबारा आ जाएगा, यानी कि 4x क्यूब। अब आपके पास अब की दफ़ा Ksp गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1.00 इंटू 10^-9 हमें गिवन है 4x क्यूब। तो मुझे x निकालना है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1.00 इंटू 10^-9 डिवाइडेड बाय 4। बिल्कुल सर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है ऐसा करने से भाई। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10^-10 एक्स क्यूब। तो अब आप क्या करें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्यूब रूट कैलकुलेटर ने लेना है, आपको कहाँ से टेंशन आ गई। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6.29 इंटू 10^-4, और यूनिट जो कि मोल क्यूब था
वो उसका भी क्यूब रूट हो जाएगा, तो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। लेकिन मुझे सॉल्युबिलिटी जो है वो मालूम करनी है ग्राम में, तो मोल में निकल आई, तो अब क्या करूँ, मोल से ग्राम में चेंज करें। थोड़ी देर पहले वाले ना पिछले नंबर में ग्राम से मोल चेंज किया था, तो मोल बनाना है ग्राम से, तो हम ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करके मोल बनाते हैं। मोल को वापस ग्राम बनाना है, तो अब इस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। बहरहाल यू नीड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ लेड आयोडाइड। क्वेश्चन में गिवन होगा कि लेड का एटॉमिक मास 207 होता है और आयोडीन का 127 होता है, तो ये बन जाएगा 461 ग्राम पर मोल। सो दिस इम्प्लाइज दैट सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 6.29 इंटू 10^-4 × 461। तो इसका क्या जवाब आना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए 461 से मल्टीप्लाई करके 0.29 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा हिसाब किताब हमने तीन सवालों में, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं बन सकती थी, सॉल्युबिलिटी दी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है सॉल्युबिलिटी निकालें। दो केसेस हैं, या तो 1:1 वाली इक्वेशन होगी या 1:2 वाली। एक के लिए KSV का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है, दूसरे के लिए KSV का फॉर्मूला 4x³ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या गड़बड़ कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी मोल में देने के बजाय मास में दे दें या मास में पूछ लें, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें कवर हुई हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइप, बात खत्म नहीं हुई है, दिस इज़ फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के रिलेशन के न्यूमेरिकल्स। अब हम ये बताएंगे कि अगर सॉल्युबिलिटी इतना, जो हम सॉल्युबिलिटी से ज़िंदगी भर काम चलाते रहे 9th क्लास से लेकर अब तक, क्योंकि नई चीज़ ले आए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका फ़ायदा क्या है, तो अब इसकी एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे। थैंक यू।